तो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं कलम में देखने को मिलेगा ऑल एलीट रेसलिंग का रेवोल्यूशन पेपरव्यू, जहां पर गाइस आप सब जानते हैं एक हॉल ऑफ फेम वर्दी टैलेंट आने वाला है जो कि AEW में अपना डेब्यू करेगा। तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे सुपरस्टार्स की जो कि पॉसिबली हमें AEW रेवोल्यूशन में सरप्राइज करते हुए नजर आ सकते हैं। तो कौन होंगे सुपरस्टार जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। तो गाइस सबसे पहले सुपरस्टार की बात करते हैं और गाइस यहां पर आते हैं रेबैक। तो गाइस आप सब जानते हैं कैसे रेबैक काफ़ी ज़्यादा टाइम से हमें WWE या फिर किसी भी रेसलिंग कंपनी में देखने को नहीं मिले हैं, और गाइस जब से WWE से रेबैक गए हैं तब से उन्होंने ज़्यादा कुछ खास करा भी नहीं है। लेकिन गाइस रेबैक के ऑल एलीट रेसलिंग के साथ काफ़ी अच्छे हम कह सकते हैं रिलेशन है। तो गाइस ऐसा माना जा रहा है कि रेबैक वो नाम हो सकते हैं जो कि हमें AEW रेवोल्यूशन पेपरव्यू में सरप्राइज करते हुए नज़र आएँ, और गाइस ऐसे होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी हैं क्योंकि पास्ट में भी रेबैक कह चुके हैं कि वो रेसलिंग में वापसी करने वाले हैं। तो गाइस हो सकता है कि हमें रेबैक के तौर पर एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिले एट AEW रेवोल्यूशन। अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट नेम की तरफ जो कि गाइस मैंने रखा है CM Punk का। तो गाइस आप सब जानते हैं CM Punk कितना बड़ा नाम है, ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी चाहते हैं CM Punk को वापस से रिंग में देखना। और गाइस CM Punk के बारे में ऐसी पहले भी बातें आ चुकी हैं कि वो ऑल एलीट रेसलिंग में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उन्होंने पिछली बार इतने ज़्यादा पैसे मांग लिए थे जिस वजह से AEW ने साइन नहीं कर पाई। लेकिन गाइस हो सकता है कि इस बार उनका मामला ऑल एलीट रेसलिंग के साथ सेट हो चुका हो और हमें CM Punk के तौर पर एक बड़ा नाम देखने को मिले एट रेवोल्यूशन पेपरव्यू। और गाइस जिस तरीके से पॉल व्हाइट ने कहा कि वो एक हॉल ऑफ फेम वर्दी टैलेंट है और एक बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिलेगा रेवोल्यूशन में, और गाइस अगर CM Punk आते तो सच में दुनिया पूरी हिलने वाली है। अगले नाम की तरफ चलते हैं और गाइस यहाँ पर मैंने नाम रखा है कर्ट एंगल का। तो गाइस आप सब जानते हैं कर्ट एंगल फिलहाल WWE कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, और गाइस कर्ट एंगल पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया पर ऐसा टीज कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द अपना रिटर्न कर सकते हैं, और गाइस ऐसे में रूमर्स आ रहे हैं कि कर्ट एंगल भी वो एक नाम हो सकते हैं जो कि हमें रेवोल्यूशन पेपर व्यू में देखने को मिल जाए। अब गाइस अगले नाम की तरफ चलते हैं और गाइस यहाँ पर मैंने नाम रखा है रॉब वैन डैम का। तो गाइस आप सब जानते हैं रॉब वैन डैम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि वो हमें रेवोल्यूशन पेपर व्यू में देखने को मिल सकते हैं, और गाइस रिसेंटली ऐसे भी नाम सामने निकल कर आए थे जिसमें गाइस ऐसा बताया जा रहा था कि रॉब वैन डैम हो सकता है हमें पॉसिबली AEW के जो लैडर मैच होगा वहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गाइस मुझे लगता है कि रॉब वैन डैम के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो हमें रेवोल्यूशन पेपर व्यू में अपना डेब्यू करते हुए नजर आएँ। उसके अलावा गाइस अगले सुपरस्टार की बात करें तो गाइस यहाँ पर मैंने नाम रखा है क्रिश्चियन का। तो गाइस फिलहाल मैंने आपको जितने भी सुपरस्टार्स के नाम बताए उसमें से गाइस सबसे ज़्यादा चांसेस बताए जा रहे हैं कि क्रिश्चियन के हैं कि वो हमें रेवोल्यूशन पेपर व्यू में देखने को मिल जाए, क्योंकि गाइस पहले ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि क्रिश्चियन WWE कॉन्ट्रैक्ट में है। लेकिन गाइस अब बताया जा रहा है कि क्रिश्चियन ने WWE के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और वो फिलहाल एक फ्री एजेंट है। तो गाइस ऐसे में क्रिश्चियन के भी चांसेस बनते हैं कि वो हमें रेवोल्यूशन पेपर व्यू में देखने को मिले। लेकिन गाइस पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि शायद क्रिश्चियन वो नाम नहीं हो, क्योंकि गाइस क्रिश्चियन WWE हमने देखा था कि ऐसे रॉयल रंबल में उनको लेकर आई थी और अब WWE ने उन्हें क्लियर भी कर दिया। तो हो सकता है गाइस हमें क्रिश्चियन रेसलमेनिया में कोई मैच में देखने को मिल जाए, इसलिए गाइस मुझे ऐसा लगता है कि क्रिश्चियन शायद हमें रेवोल्यूशन पेपर व्यू में देखने को ना मिले। तो गाइस चलते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल नेम की तरफ, और गाइस यहाँ पर मैंने नाम रखा है ब्रॉक लेसनर का। अब गाइस आप सब जानते हैं ब्रॉक लेसनर भी करंटली एक फ्री एजेंट है, क्योंकि ब्रॉक ने WWE के साथ कोई भी डील साइन नहीं करी है, और गाइस ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर भी वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि हमें रेवोल्यूशन पेपरव्यू में देखने को मिले, क्योंकि गाइस ब्रॉक लेसनर ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको जितने ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे वो उसी कंपनी में आ जाएंगे, और टोनी खान हो सकता है उन्हें ज़्यादा पैसे ऑफर कर दें और हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिल जाए रेवोल्यूशन पेपरव्यू में। लेकिन गाइस इसके चांसेस भी होने के काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को WWE का शेड्यूल ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि WWE आप सब जानते हैं उन्हें एज ए पार्ट टाइमर यूज़ करती है और पैसे भी सबसे ज़्यादा देती है। तो हो सकता है कि AEW उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाए, लेकिन गाइस आप सब जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर कितने फेवरेट है विंस मैकमैन के। तो मुझे ऐसा लगता है कि विंस मैकमैन अपना कच्चे बेच देंगे लेकिन ब्रॉक लेसनर को दूसरी कंपनी में जाने नहीं देंगे। लेकिन गाइस मेरे कहने से कुछ भी नहीं होने वाला और हमें रेवोल्यूशन पेपरव्यू का ही वेट करना पड़ेगा, जहां पर गाइस हमें पता चलेगा कि AEW आखिर कौन सा बड़ा सुपरस्टार अपनी कंपनी में लेकर आती है या फिर नहीं। तो गाइस बस ये वीडियो भी यहीं तक थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक के बिना तो कहीं मत जाना, और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से कौन सा सुपरस्टार आएगा रेवोल्यूशन पेपरव्यू में, और गाइस साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।